देखिए यार, डिस्टेंस फार्मूला जो अभी हमने डिस्कस किया उसके रिमार्क्स हम डिस्कस करेंगे। रिमार्क्स ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास तीन पॉइंट्स हैं, इफ थ्री पॉइंट्स, तीन पॉइंट्स हैं, ए एक्स वन वाई वन, बी एक्स टू वाई टू एंड सी एक्स थ्री वाई थ्री, ये हमारे पास तीन पॉइंट है। अगर कोई कहता है कि कोलिनियर है, देखिए कोलिनियर वो पॉइंट होते हैं जो लाइन के ऊपर लाई करते हैं, ठीक है जी। तीन पॉइंट्स अगर बोले कि कोलिनियर है तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? तो ये कंडीशन होती है, देन उसकी कंडीशन क्या देगी इसको समझने की कोशिश करिए। अगर कोई तीन पॉइंट लाइन के ऊपर है, जैसे तीन पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर गए, पहला पॉइंट है एक्स वन वाई वन, दूसरा पॉइंट है एक्स टू वाई टू और तीसरा पॉइंट है एक्स थ्री वाई थ्री। अब आप कहोगे सर दो पॉइंट से काम चला सकते हो। देखिए दो पॉइंट तो हमेशा ही क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। दो पॉइंट तो हमेशा एक लाइन के ऊपर लाई करेंगे। आप दो पॉइंट कहीं भी ड्रॉ कर लो तो दोनों पॉइंट 100% किसके ऊपर आ जाएंगे, लाइन के ऊपर। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे दो पॉइंट ड्रॉ किए, क्या ये दोनों पॉइंट लाइन पे नहीं होंगे? ये दोनों तो हमेशा क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ये दोनों लाइन के ऊपर ही आएंगे, आप चाहे जैसे मर्जी लाइन इनसे ड्रॉ कर लो, ये देखिए, ठीक है। इस तरीके से दो पॉइंट तो हमेशा ही क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। लेकिन बात तब है जब तीन पॉइंट्स क्या हो, कोलिनियर हो। तीन पॉइंट कोलिनियर अगर हैं तो उनकी कंडीशन बहुत सिंपल है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो ए बी की डिस्टेंस है, ए बी की जो डिस्टेंस है, ए बी का होल मॉड इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस बी सी डिस्टेंस इक्वल टू ए सी होल मॉड। इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, बी सी, सॉरी मैंने यहाँ क्या लिख दिया, इक्वल टू पहले लिख दिया, इक्वल टू नहीं, मतलब प्लस माइनस। अगर आप ए बी प्लस बी सी कर रहे हो, ऐसे ये ए बी है, ए बी प्लस बी सी, इन दोनों के डिस्टेंस का सम जो है वो ए सी के इक्वलेंट है। या फिर क्या कर सकते हो, हो सकता है कि ए बी बाहर निकल जाए, हो सकता है ए आओ, बी आओ और सी आओ। तो मैंने क्या किया, ए बी माइनस बी सी वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए सी के, ये भी ठीक है। तो आप प्लस माइनस दोनों ही लेके चलोगे, ठीक है। तो ये फार्मूला आपका बनने, मॉडुलस इसलिए लगाते हैं कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए मॉडल लगाते हैं। डिस्टेंस अगर नेगेटिव आती भी है तो उसको हम पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट है व्हेन 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 थ्री पॉइंट्स आर गिवेन, थ्री पॉइंट्स आर गिवेन, अगर तीन पॉइंट्स हमारे पास गिवेन है, थ्री पॉइंट्स आर गिवेन एंड इट इज रिक्वायर्ड टू एंड इट इज रिक्वायर्ड टू एंड इट इज रिक्वायर्ड टू, और तीन पॉइंट्स अगर गिवन है और एक हमें आइसोसेलिस ट्रायंगल की बात करनी है, इट इज रिक्वायर्ड टू एन आइसोसेलिस ट्रायंगल, ट्रायंगल शो दैट टू ऑफ इट्स साइड्स, इसकी जो साइड्स हैं यहाँ पे टू एंगल्स, और टू एंगल्स, दो एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है बड़ा साफ, मैंने जैसे कि लिखा है यहाँ पे कि अगर एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है, ये हम प्रूव कर सकते हैं कि दो जो साइड होंगी या दो एंगल्स होंगे दोनों क्या होंगे, इक्वल। अगर तीन पॉइंट्स गिवन है और हमें ये प्रूव करना है कि आइसोसेलिस ट्रायंगल है, जैसे आइसोसेलिस ट्रायंगल ये है, ऐसा आइसोसेलिस ट्रायंगल वो होता है जिसकी दो साइड क्या हो, इक्वल हो। हो सकता है तीन पॉइंट हमें दे दिया हो और हमें ये प्रूफ करना हो कि आप बताओ ये दोनों साइड इक्वल हैं या नहीं है, तो दोनों साइड का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के आप इक्वल प्रूफ कर दो, ठीक है जी। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। तीसरा तीसरा पॉइंट है एन, और इसी में पहले तो आप इसी में ऐड करते जाओ, पहला पॉइंट जो हो गया इसी में सेकंड पॉइंट है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है, देखो एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंड इक्विलेटरल, इक्विलेटरल जिसकी सारी साइड इक्वल होती है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या खूबी होती है जी, देखिए, शो दैट इट्स ऑल साइड्स, इसकी जितनी भी साइड्स हैं, इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल और ईच एंगल, और ईच एंगल
इज ऑफ 60 डिग्री, हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। अगर वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसको दो बातें उसके लिए इंपॉर्टेंट है, पहली उसकी सारी साइड इक्वल होंगी और जितने भी एंगल्स हैं वो सारे कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के होंगे। सारे एंगल आप देखो 60 डिग्री के होंगे क्योंकि सारे एंगल, जैसे यहाँ पे आइसोसेलेस की बात की थी, आइसोसेलेस में अगर दो साइड इक्वल है तो दो एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल हो सकता है 70 70 हो और ये वाला एंगल कितना बचेगा, 40 बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं 70 70 140, 140 वाला 40, 180। ठीक है, तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी। अब तीसरा राइट एंगल ट्रायंगल, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल शो दैट, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें आप क्या कंडीशन शो करोगे, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, मैं यहाँ पे इनको हाईलाइट कर देता हूँ, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप क्या शो करोगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आप क्या शो करोगे, ठीक है, और अगर आइसोसेलिस है तो आप क्या शो करोगे, इनकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आइसोसेलिस है तो आप क्या शो करोगे, ठीक है, और शो क्या करेंगे, आइसोसेलिस में दो साइड इक्वल शो कर दो और दो एंगल्स, इक्विलेटर में क्या शो करोगे वो हमने बता दिया, राइट एंगल में क्या शो करोगे वो लिखते हैं। अगर राइट एंगल है तो शो करना है हमें, शो दैट द सम ऑफ, द सम ऑफ, द सम ऑफ, पाइथागोरस लग जाएगी, द सम ऑफ द स्क्वायर्स, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू एंगल्स, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द, इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, स्क्वायर ऑफ थर्ड साइड, तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ये अगला पॉइंट। चलिए चौथा पॉइंट डिस्कस करते हैं, चौथा पॉसिबिलिटी है कि राइट एंगल भी है और साथ में आइसोसेलेस भी है, तो ये एन आइसोसेलेस, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल भी है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल भी है। अगर आइसोसेलेस भी है और राइट एंगल भी है तो आप क्या शो करोगे, शो दैट, शो दैट टू ऑफ इट्स साइड्स, टू ऑफ इट्स साइड्स आर इक्वल, पहले आप ये शो करो कि दोनों साइड भी इक्वल हैं, और फिर आप दूसरी कंडीशन ले लो और एंड द सम, पाइथागोरस वाली, क्योंकि राइट एंगल है तो पाइथागोरस लगे, एंड द सम ऑफ, सम ऑफ द स्क्वायर्स, स्क्वायर्स ऑफ टू इक्वल साइड्स, जो इक्वल साइड है, टू इक्वल साइड्स, टू इक्वल साइड इज इक्वल टू द, इज इक्वल टू द थर्ड साइड, तीसरी साइड के इक्वल हो गए। पांचवा पॉइंट, अगर स्केलन ट्रायंगल है, स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल जिसकी सारी साइड क्या होती है, अनइक्वल होती है, स्केलन ट्रायंगल में तो शो दैट की सारी साइड क्या है, अनइक्वल, शो दैट ऑल साइड्स आर अनइक्वल, मतलब कोई भी साइड इक्वल नहीं है, ये हमें शो करना। ठीक है, और अगर यहां पे हो सकता है कि हमें चार पॉइंट्स दिए हो, व्हेन फोर पॉइंट्स आर गिवन, हो सकता है हमें चार पॉइंट दिए, व्हेन फोर पॉइंट्स आर गिवन, इस केस में आप क्या करोगे, अगर हमारे पास चार पॉइंट दिए होंगे तो इस केस में आप क्या करोगे, व्हेन फोर पॉइंट्स आर गिवन, तो अगर हमें प्रूफ करना है कि ये स्क्वायर है, पहला स्क्वायर जिसकी सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है, स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, एंगल्स भी 90 डिग्री के होते हैं, डायगनल्स भी इक्वल होते हैं, ये हमारा स्क्वायर है, इसके चार पॉइंट होंगे, ये पहला पॉइंट है, ए बी सी डी, चार पॉइंट्स हैं स्क्वायर, शो दैट, शो करना है, शो दैट द फोर साइड्स, शो दैट द फोर साइड्स
आर इक्वल, शो दैट द फोर साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल एंड द डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल। और डायगोनल, जैसा कि मैंने आपको बोला, वो दोनों कंडीशन यहां बोली जा रही हैं कि आप देखो साइड तो रोम्बस की भी इक्वल होती है, तो खाली साइड इक्वल करके तो आप ये प्रूफ नहीं कर पाओगे ना कि स्क्वायर, तो आपको डायगोनल्स क्या दिखाने होंगे, इक्वल दिखाने होंगे। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, स्क्वायर के बाद हम दूसरा सेकंड जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे रोम्बस के बारे में, जैसा कि अभी मैंने बोला था। रोम्बस, रोम्बस का जो दूसरा नाम है वो है इक्विलेटरल ट्रेपेजियम। इसको हम बोल सकते हैं इक्विलेटरल, जिसकी सारी साइड इक्वल हो, इक्विलेटरल ट्रेपेजियम, बट डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं रोम्बस के। तो रोम्बस हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये रोम्बस है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए इसको समझिएगा। इसमें शो करना होगा कि फोर साइड इक्वल है, जैसा कि हम स्क्वायर में करते हैं, स्क्वायर वाला काम तो इसमें भी करना है। शो दैट द फोर साइड्स आर इक्वल, शो दैट द फोर साइड्स आर इक्वल, चारों साइड क्या है, इक्वल है, फोर साइड्स आर इक्वल, चारों साइड इक्वल है, बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। साइड इक्वल होने के साथ वाली कंडीशन है कि डायगोनल्स इक्वल नहीं होनी चाहिए, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं है। ठीक है, ये हो गया स्क्वायर। और रोम्बस, रोम्बस के बारे में भी हमने बात कर ली, रोम्बस को हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रेपेजियम। ठीक है, और इसका भी अगर आप डायग्राम बनाना चाहते हो तो इसका भी हम बना देते हैं। देखिए ये हमारा रोम्बस है, जैसे कि मैंने बताया इसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, बट डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, डायगोनल्स को अलग अलग बना दो, ये लेंथ अलग है और ये लेंथ अलग है, इसको अलग बनाओ, दोनों को डिफरेंट बनाओ, एक डायगोनल वन है और एक डायगोनल टू है, डायगोनल वन और ये वाला डायगोनल टू। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसका जो एरिया होता है वो भी आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, हाफ डी वन इंटू डी टू, और इसका पेरीमीटर होता है फोर इंटू साइड। ये है रोम्बस। रोम्बस के बाद में हमारा जो नेक्स्ट है वो आता है रेक्टेंगल, थर्ड रेक्टेंगल। देखिए रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल को अगर आप समझना चाहो तो समझ सकते हो वेरी इजीली। रेक्टेंगल, सबसे पहले आप प्रूफ करो, शो दैट द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, शो दैट द अपोजिट, जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूफ करो सबसे पहला स्टेप। एंड द डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, एंड द डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, क्योंकि रेक्टेंगल में 90 डिग्री होता है, डायगोनल्स आर आल्सो आल्सो इक्वल। और अगर आप ये रेक्टेंगल बनाते हो, देखिए ये रेक्टेंगल है आपका, और इस रेक्टेंगल की जैसे किसने बोला कि अपोजिट साइड इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल है, अगर ये लेंथ है तो ये इसके इक्वल है, ब्रेथ है तो ये इसके इक्वल है, और डायगोनल अगर आपने निकालना है, जैसे ये डायगोनल की लेंथ है, यहाँ से शुरू करता है और ये डायगोनल है, डायगोनल की लेंथ आप लिख सकते हो यहाँ पे अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब बड़ा साफ है कि सबसे पहले आप प्रूफ करो कि ये अपोजिट साइड्स जो है वो क्या है, इक्वल है, और जो डायगोनल्स हैं वो भी इक्वल है। डायगोनल देखिए, एक डायगोनल तो है नहीं, दो डायगोनल्स हैं, आप इस साइड से आओगे तो भी डायगोनल बनेगा, और ये डायगोनल भी क्या बनेगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी यही बनेगा सेम, और ये भी यही बनेगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रेक्टेंगल की बात होगी। रेक्टेंगल के बाद नेक्स्ट है फोर नंबर पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, देखिए पैरेललोग्राम क्या है, पैरेललोग्राम शो दैट, इसमें सबसे पहले आप शो करोगे शो दैट द अपोजिट, शो दैट द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स
एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको नोट करके रखनी है, ये बहुत ज्यादा काम आएंगे आपके। 5 नंबर, पैरेललोग्राम के बाद, पैरेललोग्राम आपको पता ही कैसा शेप होता है, अगर बनाना है तो बना भी देते हैं, दैट इज अ पैरेललोग्राम है, जिसके बारे में बोला गया कि अपोजिट साइड तो इसकी इक्वल होती है लेकिन डायगोनल्स इक्वल नहीं होती। तो रेक्टेंगल और उसमें क्या डिफरेंस है, यही डिफरेंस हुआ, रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड इक्वल होती है लेकिन डायगोनल्स इक्वल होते हैं उसमें, इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, सिंपल है। तो ये पैरेललोग्राम हो गया। अब बात करते हैं ट्रेपेज़ियम की, इसका दूसरा नाम है ट्रेपेज़ॉइड। देखिए ट्रेपेज़ियम की अगर मैं बात करूं, इसमें भी शो करना है, शो दैट द टू साइड्स आर पैरेलल, दैट द यानी कि स्लोप इक्वल होगा, टू साइड्स आर पैरेलल, दो साइड क्या है, पैरेलल, टू साइड्स आर पैरेलल एंड द अदर टू साइड्स आर, एंड द अदर टू साइड्स आर, अदर टू साइड आर नॉट पैरेलल, आर नॉट पैरेलल, जो बची हुई साइड है वो पैरेलल नहीं है। 6 नंबर, ठीक है, पैरेलल कैसे प्रूफ करेंगे, वो आप प्रूफ कर सकते हो किससे, वो आप प्रूफ कर सकते हो स्लोप से। एन आइसोसेलिस ट्रेपिजियम, एन आइसोसेलिस ट्रेपिजियम शो दैट, इसमें शो करो, शो दैट द टू साइड्स आर पैरेलल, टू साइड्स आर पैरेलल, दो साइड क्या है, पैरेलल है, टू साइड्स आर पैरेलल एंड द अदर टू साइड्स आर, टू साइड्स आर पैरेलल एंड द अदर टू साइड्स आर नॉट पैरेलल बट इक्वल, एंड द अदर टू साइड्स, अदर टू साइड्स आर नॉट पैरेलल बट इक्वल, आर नॉट पैरेलल बट इक्वल, इसका मीनिंग समझिए, आर नॉट पैरेलल बट इक्वल, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग देखिए क्या है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए ये हमारा ट्रेपेजियम है, ये इस ट्रेपेजियम की बात हो रही है जिसके देखिए दो साइड क्या है, पैरेलल है, वो तो आपने प्रूफ कर ही दिया, ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ये वाली जो बन रही है, ठीक है, लेकिन ये साइड इसके इक्वल होगी, ये पैरेलल तो नहीं है लेकिन दे आर इक्वल, ठीक है, तो ये कंडीशन थी इसकी। तो इस तरीके से हमने आइसोसेलिस ट्रेपेजियम के बारे में बात भी कर, आइसोसेलिस जैसे इनके नाम से पता लग रहा है कैसा ट्रेपेजियम, इसकी दो साइड क्या हो, इक्वल हो। अब बात करते हैं आगे अगले पॉइंट के बारे में, ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास इफ ए बी सी बी द वर्टिसेस, बी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल एंड वी हैव टू फाइंड, और हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर, ऑफ द सर्कम सेंटर, वी हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर, देन देन लेट द सर्कम सेंटर बी, लेट द सर्कम सेंटर, लेट द सर्कम सेंटर बी, मान लेते हैं सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर होता क्या है, देखिए इसको तो मैं इन डेप्थ आगे डिस्कस करूंगा बट मैं पहले ही बता देता हूँ सर्कम सेंटर होता क्या है। देखिए मान लीजिए मेरे पास कोई एक ट्रायंगल है ये, और मुझे ना इससे तीनों वर्टिसेस पास करने वाला एक सर्कल चाहिए जो इसके तीनों वर्टिसेस से पास करे। मैंने बनाने की कोशिश की, ये देखिए ये एक से तो पास कर रहा है लेकिन बाकी से पास नहीं कर रहा, नहीं कर रहा, तो ऐसा सर्कल बनाना हमारे लिए क्या है, बहुत मुश्किल है, जब तक कि हमें उस सर्कल का सेंटर नहीं पता चलेगा। जैसे ये वाला सर्कल, ये भी नहीं बन रहा, ये दो से पास कर रहा है तीसरे से नहीं कर रहा, ठीक है, तो इस तरीके से आप, अब ये देखो दो से पास कर रहा है तीसरे से नहीं कर रहा, क्रॉस कर जा रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए ये भी नहीं बन रहा, ये ओवल शेप ले जा रहा है, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इस सर्कल का सेंटर चाहिए होगा। सर्कल का सेंटर बनाने के लिए सबसे पहला है पॉइंट है कि आप क्या करो, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ होता है वो आपको बता देते हैं, आपने कुछ नहीं करना, कंपास को लेना है, यहाँ पे एक चाप लगाना है इस साइड से आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेके, फिर इधर से एक चाप लगाना है, पहले आपने इस साइड से लगाया फिर इस साइड से लगा दिया, ठीक है, फिर इधर भी ऐसे करना है,
इधर से लगाया, फिर इधर से लगा दिया, तो ये जहां पे दोनों लाइनें दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगी वो आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। फिर आप इधर से ड्रॉ करोगे ऐसे, फिर इधर से भी है ना, इस तरीके से आप ड्रॉ करोगे तो फिर इनको भी ऐसे कनेक्ट करोगे, तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। हाफ हाफ होता है, बीचों बीच से जाता है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, और बाइसेक्टर का मतलब होता है हाफ हाफ करना। अब आपका लास्ट यहाँ से जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये तीनों पॉइंट जब यहाँ मिल जाते हैं आपको, तो आप इजिली एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो जहां तीनों पॉइंट, तीनों लाइनें क्या कर रही होती है, इंटरसेक्ट। ये कौन है, इसको बोलते हैं हम सर्कम सर्कल, और ये सर्कम सेंटर है। अब जैसा कि इसने बहुत अच्छा यहाँ पे बोला कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट, ये तीनों पॉइंट हमें दिए हुए हैं। तो ये जो पी पॉइंट जिसको हम सर्कम सेंटर बोल रहे हैं, उसकी डिस्टेंस ये वाली पी बी और पी सी क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि ये तीनों क्या है, रेडियस है। तो आप यहां लिख भी सकते हो कि पी ए का स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा पी बी का स्क्वायर, और ये पी बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, पी सी के स्क्वायर के। अगर आप दो रिजल्ट लेना चाहते हो तो दो रिजल्ट से भी आप प्रूव कर सकते हो, पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी सी स्क्वायर। दिस विल गिव टू इक्वेशंस, दिस विल गिव टू इक्वेशंस इन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई में कितनी इक्वेशन दे देगा, दो इक्वेशन दे देगा। देन सॉल्व दीज टू इक्वेशंस, दो इक्वेशन, एक यहां से मिलेगी पी ए इक्वल टू पी सी स्क्वायर से, और एक मिल जाएगी पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर से। आप पहले पी ए स्क्वायर इक्वल करोगे पी बी स्क्वायर के, फिर पी ए स्क्वायर इक्वल करोगे पी सी स्क्वायर से। तो यहां से दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लोगे, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लोगे। ऐसे हम क्वेश्चंस भी आगे करेंगे। ठीक है, थैंक यू।